एशिया कप में शिरकत करने के जा रहे हैं अंडर 19 टीम के साथ, आप लोग कैसी तैयारी हो, कैसे देख रहे हैं टूर्नामेंट? ये बड़ा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है बिकॉज ये एक रोड मैप है टू वर्ड्स वर्ल्ड कप और उसका ये पहला स्टेप है. बड़ी अच्छी प्रेपरेशन है चूँकि ऑलरेडी एक NCA का हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है वो एक महीने का फिनिश हुआ है. सब लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं ये उसमें थे ऑलरेडी, सो अच्छी उनकी प्रेपरेशन हो रही है. और अब जो कैंप लगा है ये एज ए टीम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब ज़्यादा हमारी तवज्जो जो है वो टेक्टिकल साइड पर है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लड़के एंड आई होप के दे परफॉर्म वेल देयर. लास्ट दो एडिशन जो थे इस टूर्नामेंट के उसमें दोनों बार पाकिस्तान फाइनलिस्ट रहा, पहली बार दो विनर था और लास्ट टाइम फाइनल नहीं जीत सके थे. इस बार किस तरह से आपको नज़र आ रहा है टूर्नामेंट? जी बिल्कुल, इनिशियल स्टेज है ये चूँकि नई टीम है और ऑलमोस्ट सारी जो टीमें हैं बांग्लादेश श्रीलंका वो भी नई टीम है, कोई इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं अंडर 19 की, ये पहला इनका टूर है. लेकिन जिस तरह की इनकी प्रेपरेशन है मुझे उम्मीद है दे विल अगेन परफॉर्म वेल. श्रीलंका की कंडीशंस के बारे में बताइएगा कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगी स्पेशली इन दिनों में जब दिसंबर वगैरह चल रहा है. वहाँ पे जो हमें पता है पहले भी पास्ट में भी हम वहाँ पे टूर्स कर चुके हैं, थोड़ा सा टर्न जो है वो रहता है, लो बाउंस होता है, अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर्स भी होते हैं, कुछ मैचेस जो है इवनिंग में भी हैं, तो उस लिहाज से हम अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं. हमारी भी कुछ लाइट्स में प्रैक्टिस हैं, एक दो मैचेस हमने रखे हुए हैं लाइट्स में, सो वी आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एवरीथिंग इन श्रीलंका. थैंक यू सर.